visaguru.com. फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और वो स्टडी अब्रॉड करना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, वहाँ पे ऐसी तमाम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ट्यूशन फी और लिविंग कॉस्ट होती है, तो वहाँ पे उनके लिए रहना और स्टडीज़ कॉस्ट मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। प्लस ये सब कुछ करने के बावजूद भी वीज़ाज़ के इशू ही नहीं ख़त्म होते। तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग रशिया और टर्की की बजाय एक ऐसे यूरोपियन कंट्री का इंतखाब कर सकते हैं जिसका खर्चा रशिया और चाइना के बराबर ही है, लेकिन आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। यानी इस कंट्री की डिग्री चूँकि रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया में मानी जाती हैं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ने के बाद दूसरी कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो क्रेडिट्स, या फिर जॉब्स भी कर सकते हो, वर्क परमिट भी हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा स्लोवेनिया की। आपने नाम सुना होगा, छोटा सा कंट्री है, सिर्फ 20,000 स्क्वेयर किलोमीटर्स का रकबा है और सिर्फ 2 मिलियन इसकी आबादी है। शेंगेन स्टेट का ये पार्ट है, यानी यहाँ का वीज़ा आपको मिले तो आप बाकी शेंगेन स्टेट में जो है वो जा सकते हैं, इजीली मूव अराउंड कर सकते हैं 3 मंथ्स तक। उसके अलावा एक और बात बता दूं कि इसका जो स्टूडेंट वीज़ा आपको मिलता है फ्रेंड्स, वो 3 मंथ्स से 1 साल का होता है, लेकिन अमूमी तौर पर 1 साल का दिया जाता है इनिशली, बाद में स्लोवेनिया जाने के बाद ये फ्रेंड्स एक्सटेंड होता रहता है। स्लोवेनियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बता दूँ कि यहाँ पर 3 साल की ग्रेजुएशन होती है, 1 से 2 साल का मास्टर प्रोग्राम होता है, प्लस 3 ईयर्स की PhD डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो टोटली 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से 3 गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मारिबोर, यूनिवर्सिटी ऑफ लिजुबिजाना, ये जो है कैपिटल यूनिवर्सिटी है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिमोस्का, उसके अलावा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नोवा गोशिया, ये जो है प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन इसका लेवल बहुत कमाल का है, गवर्नमेंट इसको एंडोर्स करती है। इसके अलावा फ्रेंड्स 50 और स्मॉलर इंडिपेंडेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया गया है, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे भी एजुकेशन हासिल कर सकती हो, वहाँ की एजुकेशन भी रिकग्नाइज्ड है और मानी जाती है। आपने अप्लाई करना है तो यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है, ग्रेजुएशन के लिए आपको B2 लेवल चाहिए कम अज़ कम, ब्रिटिश काउंसिल से आपको एकेडमिक जो है वो आइल्स करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, साथ इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा इंग्लिश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग चाहें तो आसानी बैचलर के लिए, मास्टर के लिए जो है इंग्लिश कोर्सेज चूज करके मार्केटिंग में, मैनेजमेंट में, हेरिटेज एंड टूरिज्म में, उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का लिटरेचर हो गया, ये तमाम कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हैं। ये तमाम 4 की 4 यूनिवर्सिटियाँ इन तमाम इंग्लिश प्रोग्राम्स को काफ़ी प्रमोट करती हैं। कुछ अरसा में, पिछले 2-3 सालों में, स्लोवेनिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी बड़ी है। यूनिवर्सिटीज़ के अलावा बात की जाए ट्यूशन फ़ी कितनी है, तो बात करूँगा कमाल की, बहुत सस्ती यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट की भी, प्राइवेट की भी और दूसरे इंस्टीट्यूशन भी। यानी बैचलर के लिए बात की जाए 2,000 यूरो से लेके फ्रेंड्स 5,000 यूरो तक आपकी ट्यूशन फ़ी होती है पर ईयर, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, बहुत कम है ऐसी कंट्रीज़ के मुकाबले में जो कि यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। मास्टर स्टडीज़ के लिए फ्रेंड्स 2,500 से लेकर 7,500 यूरोज़, यानी ये भी बहुत कम है, पर एनम है। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए तमाम जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है स्लोवेनियन गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है EVS ऑनलाइन एडमिशन सर्विस। यहाँ पे आपने एनरोलमेंट करवानी है, एप्लीकेशन सबमिट करनी है एडमिशन के लिए, राइट साइड पे आओगे तो कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ पे जब आप लोगों ने क्लिक करना है तो यहाँ पे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी तमाम डिटेल दें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, तमाम डिटेल देंगे तो आपको अपने ईमेल पे कंफर्मेशन की ईमेल आएगी, वहाँ पे जाके आपने अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है और आगे यहाँ पे फिर आप लोग अप्लाई कर पाओगे ऑनलाइन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए। जब आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाए एडमिशन के लिए इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो आपको ये फॉर्म एंड पे जनरेट करके दिया जाएगा, आपको प्रिंट करना होगा उसको, और प्रिंट करने के बाद अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट के साथ लगा कर जिस जिस आपने इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया है उसको आपने फॉरवर्ड करना होगा, बाय पोस्ट सेंड करना होगा। इसके बाद वो इंस्टीट्यूशन आपसे रब्ता करेगा और आपको बताएगा एडमिशन प्रोसेस के लिए मज़ीद आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। बात की जाए फ्रेंड्स लिविंग कॉस्ट की, लिविंग कॉस्ट यहाँ पे बहुत कम है, बहुत ही नॉर्मल है। यानी यहाँ पे अगर आप लोग स्टडीज़ करते हो तो आपको बआसानी यहाँ पे बहुत कम पैसों में आप लोग अपना खर्चा मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे ट्यूशन फ़ी तो मैंने आपको बता दी है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फुल लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फुल नहीं लेती, बल्कि आप उनके साथ इंस्टॉलमेंट्स भी कर सकते हो पहला डिपॉजिट पे करने के बाद। तो लिविंग कॉस्ट के लिए बात की जाए डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट है। यानी अकोमोडेशन रेंज करती है 80 यूरो से लेकर 150 यूरो तक, प्राइवेट अकोमोडेशन जो है छोटे सिंगल रूम्स वाली, उसके अलावा
ट्रांसपोर्टेशन कार्ड्स की बात की जाए तो 30 यूरो से लेकर 50 यूरो तक डिफरेंट रेट्स हैं। कुछ सिटीज़ में जो छोटी सिटीज़ हैं ये इवन 20 यूरो में भी मंथली कार्ड बन जाता है। यानी आप लोग बहुत कम पैसों में, अगर बात की जाए ट्यूशन फी छोड़ के, तकरीबन 250 से लेकर 350 यूरो की लिविंग कॉस्ट इसकी बनती है। अगर आप खाना साथ में ला लें तो 400 यूरो से नीचे आप बआसानी गुजारा कर सकते हो, 300 से 400 यूरो लिविंग कॉस्ट के साथ। और इसके साथ आप लोग बआसानी जो है पार्ट टाइम काम करके अपने एक्सपेंसेस पूरे कर सकते हैं। बात की जाए फ्रेंड्स यहाँ पे सेटलमेंट की, तो एजुकेशन हासिल करने के बाद सेटलमेंट के चांसेस बनते हैं। स्लोवेनियन गवर्नमेंट हेल्प करती है आपकी कि आप लोग वर्क परमिट ले सकें, यानी किसी भी तरह से अगर पॉसिबिलिटी बनती है स्टडीज़ के बाद, अगर आप लोग लोकली वहाँ की लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उसके बाद आपके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो स्लोवेनिया से मूव अराउंड करते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसा कि जर्मनी में चले जाते हैं, वहाँ पर वर्क परमिट ले सकते हैं। वीज़ा फ्रेंड्स कैसे अप्लाई करना है, तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ईजी है कि इंडिया में तो इनकी अपनी कंसुलेट और एम्बेसी मौजूद है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर आप लोगों ने रब्ता करना है। यहाँ पर डिटेल्स आपको नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, यहाँ पे आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके। उसके अलावा पाकिस्तान से अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा जर्मनी की एम्बेसी के थ्रू, तो जर्मनी की एम्बेसी को कॉल करके आप लोग मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हो कैसे आप लोगों ने अप्लाई करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग लिंक देख सकते हो, इसका चेक कर सकते हो, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लस मेरा आर्टिकल रीड कर सकते हो जहाँ पर मैंने तमाम डिटेल्स आपको दी हैं कि अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म कैसे फाइंड करना है, तमाम इन्फॉर्मेशन उस आर्टिकल में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कर दें, नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की और मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।